नमस्कार, आप सभी का निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डेली पेपर एनालिसिस में तीन आर्टिकल्स शामिल कर रहे हैं, जिसमें पहला है द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एडिटोरियल सेक्शन में आर्टिकल सेंटर वर्सेस स्टेट्स, दूसरा है द हिंदू में प्रकाशित एडिटोरियल पेज पर ही आया है, ये भी आर्टिकल का नाम है कैमल इन द टेंट, और दूसरा है द हिंदू में ही प्रकाशित एक आर्टिकल व्हाट ब्रेक्सिट मींस फॉर द ईयू एंड इट्स पार्टनर्स। तो आज के जैसे आप देख सकते हैं, पहला जो आर्टिकल है सेंटर वर्सेस स्टेट्स में, यहाँ पर हाल ही में जो बजट घोषित किया गया है तो इसमें कर आवंटन को लेकर या जीएसटी द्वारा जो कर संग्रहण होता है, जीएसटी संग्रहण होता है, उसमें जो सरकार कंपनसेशन के रूप में राज्य को जो आवंटित करती है वित्त, उसके संदर्भ में कुछ यहाँ चिंताएं दर्ज की गई हैं। कैसे फिजिकल जो संकट है वो दोनों ही स्टेट्स और सेंटर के रिलेशंस को तनावपूर्ण बना सकता है, तो इस संदर्भ में सरकार को क्या करने की आवश्यकता है, यहाँ पे इस बात पर चर्चा की गई है। दूसरा आर्टिकल है कैमल इन द टेंट, जिसमें एक फ्रेज है, इसमें यहाँ बताया गया है कि सेंटर ने अभी हाल ही में बजट में एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो एग्जिस्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें पार्टनरशिप के आधार पर ट्रिपल पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से अपनी सुविधाएं या जो भी जन समुदाय को मेडिकल आवश्यकताएं की पूर्ति करनी है, तो उसके संदर्भ में यहाँ बात की गई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कहीं ये कोई समस्या का आगाज तो नहीं है, तो इस प्रकार के जो चिंताएं यहाँ पर भी हम इसे शामिल करेंगे, कौन कौन से यहाँ कंसर्न दिखाए गए हैं या बताए गए हैं, और साथ ही गवर्नमेंट को क्या करने की आवश्यकता है, यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है। और दूसरा हमारा जो आखिरी यानी तीसरा आर्टिकल है वो ब्रेक्जिट के संदर्भ में है। आपको पता है 31 जनवरी को फाइनली ब्रेक्जिट ईयू से अलग हो चुका है, माफ कीजिएगा, ब्रिटेन ईयू से अलग हो चुका है। तो इस संदर्भ में यहाँ पे बात बताई गई है कि किस प्रकार ब्रिटेन के ईयू से अलग होने के बाद भी अब वर्तमान में जो ईयू है यानी यूरोपियन यूनियन है वो उसके रिलेशंस कैसे रहेंगे उसके पार्टनर्स के साथ या अन्य जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनके साथ, उनकी जो प्रतिबद्धता है वो किस प्रकार की रहेगी। तो इस प्रकार के जो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में फिजिकल टेंशन के बारे में बात की गई है। एक्चुअली क्या हुआ है कि आपको याद होगा 15th फाइनेंस कमीशन, आपको बताना है कि 5th जो फाइनेंस कमीशन है इसकी अध्यक्षता किन के द्वारा की जा रही है, कि आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। तो इसमें क्या हुआ है कि बजट या सर्वे आने से पहले इन्होंने अपनी इंटरिम रिपोर्ट पेश की है। इंटरिम रिपोर्ट मतलब यानी फाइनल रिपोर्ट आने से पहले जो छोटी छोटी पार्ट्स में जो रिपोर्ट्स आती हैं इसको यहाँ पे इंटरिम रिपोर्ट कहा गया है। तो इसमें इन्होंने कुछ सिफारिशें करी हैं, कुछ प्रस्ताव रखे हैं, तो यहाँ से इस आर्टिकल की एक शुरुआत हुई है। साथ ही साथ जो हमारे सामने बजट आया है उसके संदर्भ में भी यहाँ पे कई सारी बातें की गई हैं। तो जो 5th फाइनेंस कमीशन है ये कर का आवंटन जो है इसमें दो प्रकार से यहाँ बात की जाती है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से होता है, जैसे सेंटर है आपका सबसे ऊपर, देन आपका स्टेट है, और स्टेट के बाद फिर लोकल बॉडीज, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन गया। वर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेट स्टेट स्टेट, ये आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि स्टेट्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन ने, आपको पता है कि हाल ही में उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट पेश करी है उसमें इन्होंने जो स्टेट्स को सेंटर द्वारा कर आवंटन यानी जो कर का बंटवारा होता है उसमें जो परसेंटेज है उसको 42% से 41% कर दिया है, यानी कि इसमें 1% की कमी आई है। और कारण इसके पीछे क्या दिया गया है कि जो हाल ही में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की जो यूटीज बनी है इन्हें देखते हुए ये 1% की गिरावट यानी कमी की गई है। तो ये थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ बता देते हैं, ब्रीफ बताया हमने, थोड़ा सा पृष्ठभूमि तैयार करी है। तो यहाँ से अब शुरुआत करते हैं कि इस आर्टिकल की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो उन्होंने यहाँ फिजिकल क्राइसिस की बात बताई है, किस प्रकार सेंटर ने जो कई सारे ऐसे टैक्स रेवेन्यूज को लेकर, कमी को लेकर यहाँ बात करी है, तो वहाँ पे अब दोनों ही स्टेट्स में कई सारी जो राजकोषीय संकट है उसके बारे में बात करी है। तो मुख्य बिंदु से शुरुआत करते हैं। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि फिलहाल जैसे आपको पता है सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.8% रखा है सरकार ने, जो कि पहले 3.3% था।
यानी कि सरकार का अब जो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि जो सरकार का टारगेट था 3.3, इसका अर्थ था कि वो इसके अंतर्गत ही अपनी जो सभी आपूर्तियां हैं, अपनी जो सभी टारगेट्स हैं वो कंप्लीट कर पाएगी। लेकिन अब वर्तमान में इन्होंने डेफिसिट को यानी टारगेट को बढ़ा दिया है, 3.8 कर दिया है, यानी जो राजकोषीय घाटा होगा वो 3.8 के आसपास रहेगा। तो इस प्रकार का जो संकट का प्रभाव अब राज्य सरकारों पर भी देखा जा सकता है, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। क्योंकि क्या हुआ है, जो हमने अभी बजट देखा है तो उसमें जो कर राजस्व से अपेक्षाएं थी कि हमें इतना कर राजस्व प्राप्त होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, जो हमारा ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शन है वो इतना रहेगा, लेकिन वो उम्मीद के अनुसार नहीं रहा, उसमें कमी आई है। और इसी कमी के कारण 2019-20 में जो राज्य को कर अंतरण हुआ है, जो हस्तांतरण हुआ है, वो काफ़ी कम रहा है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर सरकार के पास यानी सेंटर के पास कर का जो संग्रहण है वो कम आ रहा है, तो ऑब्वियस है वो राज्यों के पास, जैसे हमने को बताया, हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी प्रभावित होगा और फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी इससे प्रभावित होगा। तो पहला पॉइंट तो ये रहा कि राजकोषीय संकट जो है किस प्रकार दोनों ही स्तर पर, यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि जीएसटी संग्रहण है उसमें भी कमी आई है। तो हम कुल मिलाकर यहाँ पर आर्थिक रूप से जो आर्थिक संघवाद की बात यहाँ करते हैं एक तरह से हम, तो ये किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि केंद्र की ही ड्यूटी है कि वो अपने अन्य राज्यों की जो वित्तीय आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, या जो आपने उनसे प्रॉमिस किया था, जो प्रतिबद्धता जताई थी कि हम अगर आपके पास कोई वित्त पोषण को लेकर कोई कमी है तो हम उसकी पूर्ति करेंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अब भविष्य में या वर्तमान में ही से कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो उसमें से जीएसटी भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने देखा है कि लगातार जीएसटी संग्रहण में अब थोड़ी बहुत इसमें अब हालांकि वृद्धि देखी गई है, लेकिन अभी भी वो उतनी इसमें वृद्धि नहीं है जितनी से अपेक्षित थी। तो इसकी कमी की भरपाई भी केवल इन्होंने जो बजट में सरकार ने कहा है कि जो खाली हम इससे इसकी जो भरपाई करेंगे, जो हमने कंपनसेशन सेज लगाया है जीएसटी के द्वारा, उसी से इसकी पूर्ति की जाएगी। यानी कि इसके अलावा सरकार कहीं और से राज्यों की जो जीएसटी कलेक्शन की बात थी या जो कमी थी उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक चिंता यहाँ पर सामने आई है। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि जो फिफ्थ हमारा 15वां वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग, इसने भी कुछ सिफारिशें दी थी ताकि जो डिवाइजेबल टैक्स पूल है उसके बाद जो कमियां देखी जाती हैं राज्यों में उनकी वित्तीय आपूर्ति को लेकर, उस पर भी थोड़ा बहुत सरकार की भूमिका, इन्होंने सिफारिश करी कि सरकार को थोड़ा बहुत कंपनसेशन देना चाहिए, लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना है। क्योंकि फिलहाल जो 15वां वित्त आयोग या जो वित्त आयोग है जो करों का आवंटन करती है, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, डेमोग्राफिक स्टेटस उसमें देखा जाता है, स्टेट में पास विशेष अधिकार या स्पेशल स्टेटस है कि नहीं है ये देखा जाता है, उसकी वहां पे संसाधन कितने हैं वो एक मैटर करता है। दूसरी बात, इसमें कई सारे फैक्टर्स को ओवरऑल जोड़कर वहाँ पे जो कर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि ये डिवाइजेबल टैक्स पूल है। लेकिन क्या हुआ है कि कुछ दक्षिणी राज्य जैसे खासकर हमारे केरल हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना, साउथ के जो राज्य हैं, इन्होंने काफ़ी, मतलब आपको पता है काफ़ी साक्षर यहाँ पे जनसंख्या है, तो साक्षर के साथ साथ होने से क्या हुआ है कि यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कंट्रोल्ड वे में है, मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी कंट्रोल्ड मैनर में चल रही। तो इनका कहना था, इन स्टेट का कहना था कि हमने इतना बड़े जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी, तो इसके एवज में हमें कुछ एक्स्ट्रा एक प्रोत्साहन राशि तौर पे, या फिर कहें कि इसके अप्रिसिएशन के तौर पे एक डिमांड कर रहे थे कि इन राज्यों में हमने जो इतनी बड़ी भूमिका निभाई है तो इसके संदर्भ में सरकार को कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें देखा नहीं गया है। दूसरी बात, आपने सुना होगा कई कुछ स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स कहें तो वो भी ग्रीन बोनस की बात करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम जो राज्य हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को संरक्षित करते हैं, तो हमारी जो भूमिका है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए सरकार को यानी केंद्र को हमें और अधिक वित्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए जिससे हम जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उसको लगातार बनाए रखें। तो इस प्रकार के फैक्टर सामने आ रहे हैं, तो इसमें अब जो केंद्र है उसकी भूमिका बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती दिख रही है। तो इस प्रकार के जो दक्षिण राज्यों के हिस्सेदारी में गिरावट आई है, ये भी अपने आप में दोनों यानी स्टेट और सेंटर के रिलेशंस को और प्रभावित कर सकती है। अब हम आंकड़ों की बात करते हैं, 2019-20 में ये बजटीय लक्ष्य रखा गया था 8.09 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें सकल कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 1.53 लाख करोड़ रुपए की गिरावट के साथ 6.56 लाख करोड़ तक ही रही है। यानी लक्ष्य हमने 8 लाख के आसपास रखा, 8 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, मात्र 6.56 लाख करोड़।
तो ये कमी देखिए वो 19-20 के ही आंकड़े हैं, ये 19-20 में ही इसमें गिरावट दर्ज की गई थी। तो अब क्या हुआ है, जो इस कमी, ये जो कमी हमने देखी है 1.53 लाख रुपीस करोड़ की जो कमी देखी गई है, इसमें जो है कहा जा रहा है कि 58,000 के करोड़ के आसपास, 58,843 करोड़ रुपए के आसपास इसमें इसमें इस कमी इसलिए आ रही क्योंकि पहले ही सरकार 2018-19 का जो वित्तीय वर्ष था इसमें काफ़ी राज्यों को बहुत ज़्यादा कंपनसेशन या राशि ट्रांसफ़र कर चुकी थी, तो इसलिए ये कमी देखी गई है। लेकिन जो बाकी का जो बचता है इस 1 लाख करोड़ में से जो शेष बचता है लगभग 1 लाख करोड़, उनका कहना है ये इसके पीछे कमी क्या होगी, इस कमी के कारण राज्यों के पास बर्डन बढ़ेगा। अगर राज्यों खर्च करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो या तो जो राज्य हैं वो खर्च करने के लिए या तो लोन उठाएंगे, और अगर लोन उधार लेने का विकल्प नहीं चुनते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, लोन नहीं लेते हैं तो उसके बाद फिर वो अपने खर्च पे कंट्रोल करेंगे, यानी उनके पास जब वित्त नहीं है तो वो खर्च कैसे कर सकते हैं, और खर्च नहीं करेंगे, अगर सरकार खर्च नहीं करेगी तो फिर मार्केट या अर्थव्यवस्था में डिमांड कहाँ से जनरेट होगी, ये तो फिर डेक्लाइन ही जाएगी। तो अब वर्तमान में हमारे पास बहुत ज़रूरी है, जो हमारी स्लो डाउन की स्थिति बनी हुई इकोनॉमी में उसको बढ़ाने के लिए हमारी मांग जनरेशन बहुत ज़रूरी है, और सरकार अगर राज्य सरकारें ऐसा खर्च नहीं करती हैं जिससे डिमांड बढ़े तो ये भी अपने आप में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। तो इस पर भी केंद्र को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, इससे और अधिक मंदी की स्थिति बढ़ सकती है हमारे देश में, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। जैसे यहाँ बताया गया है कि कैसे खर्च, राज्यों के खर्च पे इसमें वृद्धि होगी, या तो खर्च करने के लिए अधिक उधार लेंगे या फिर इसे खर्च नहीं करेंगे, खर्चों में कटौती करेंगे और वो मंदी को बढ़ाएगा। फिर दूसरा आता है हमारा बिंदु जो GST क्षतिपूर्ति को लेकर, इसमें क्या हुआ है कि अभी हाल ही में जो भाषण दिया गया है हमारी वित्त मंत्री के द्वारा, उनका भी कहना है कि जो निधि में स्थानांतरण जो होगा, यानी जो GST जो कंपनसेशन के लिए राज्य को सरकार देती है, केंद्र सरकार को जो कंपनसेशन क्षतिपूर्ति के रूप में मूल्य देती है या राशि देती है, उसकी जो प्रतिपूर्ति होगी यानी जो उसकी फुलफिलमेंट होगी, वो सिर्फ हमारा जो सेज हमने लगाया है, कंपनसेशन सेज लगाया है GST के द्वारा, उसके द्वारा ही हम उसको अदा करेंगे, उसके अलावा कोई और हमारे पास सोर्स नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जो GST कंपनसेशन सेस की बात करी है इसलिए कर रही है, इसमें उन्होंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि अभी फिलहाल जो है केंद्र भी स्वयं वित्त दबाव में है, जो हमारे पास वर्तमान सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए, तो इस प्रकार से सेंटर की भी स्थिति है वो इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वो इस प्रकार राज्यों को अपना जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको तुरंत त्वरित रूप से प्रदान कर दे, तो यहाँ पर बात ये हो रही है। लेकिन क्या है कि अब राज्यों में भी जो राजस्व की श्योरिटी है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि ये अब जो रेवेन्यू होता है वो किसी भी स्टेट का आय अर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, तो अगर ये अच्छा नहीं होगा या इसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी टाइम टू टाइम, तो ये फिर बहुत बड़ा एक चैलेंज क्रिएट करता है पूरी इकोनॉमी में, और ये आपको पता है इसके बहुत ही दूरगामी इफेक्ट भी दिखाई देते हैं आगे आने वाले समय में। और अगर हम टैक्स ट्रांसफर की बात करें, जो हम यहाँ पे टैक्स रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक और मुद्दा है जो कि है 2011 की आबादी का अनुमान का इस्तेमाल करना, क्योंकि इस समय क्या हुआ है कि जो सरकार ने जितना भी हमने टैक्स आवंटन की बात करती है सरकार, तो जो केंद्र है वो उसका जो अंतरण करती है, स्थानांतरण करती है, वो 2011 की जनगणना के आधार पर करती है। लेकिन वित्त आयोग क्या करता है, वित्त आयोग ने जो जनसंख्या प्रदर्शन के स्तर पर, यानी कि अभी हाल में ही जो जनसंख्या प्रदर्शन में जो स्टेट अच्छे रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, खासकर साउथ इंडिया के स्टेट्स की बात करें, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो इन राज्यों के उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन के लिए प्रस्ताव किया था कि इनके जो प्रदर्शन है इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो इसकी तरफ भी थोड़ा सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन क्या हुआ है कि इस तरफ सरकार ने भी कोई प्रतिबद्धता दर्ज नहीं करी है, तो क्या होगा, इस कारण भी यहाँ के जो स्टेट्स हैं अब वो यही कहेंगे कि अगर हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसकी तरफ से कुछ प्रोत्साहन के रूप में या कुछ इस प्रकार के कार्य करने पर कुछ तारीफ के कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं जिसके कारण केंद्र इस प्रकार के अन्य जो राज्य सरकार है वो भी प्रोत्साहित होती हैं, तो यहाँ पर इनका हतोत्साहित हो सकते हैं स्टेट्स, तो यहाँ पे ये भी चिंता दर्ज की गई है, इससे उनके राज्यों में और भी वित्त कमी आ सकती है, क्योंकि वित्त आयोग ने इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इनके लिए प्रस्ताव किया था कि यहाँ पे कुछ अलग से इनको अनुदान देने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया।
इसके अलावा आयोग ने सुनिश्चित करने के लिए विशेष अनुदान की सिफारिश भी की थी, लेकिन सरकार ने इसको भी अभी क्लियर नहीं किया है। कई सारी सरकार ने फाइनेंस कमीशन की अनुशंसाएं ली हैं, लेकिन कुछ में इन्होंने ऐसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो जो विशेष अनुदान की बात यहाँ पे इसलिए की गई थी वित्त आयोग के द्वारा कि उनका कहना था कि कई बार क्या होता है, टैक्स अदायगी करने के बाद या हस्तांतरण या अंतरण करने के बाद भी कुछ ऐसी राशि होती है जो कम पड़ जाती है, तो इसके एवज में एक विशेष अनुदान की सिफारिश इन्होंने की, लेकिन सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा इसमें कंसर्न ये आया है कि अभी हाल ही में सरकार ने नॉन लैप्सिबल फंड या एक वैकल्पिक तंत्र की स्थापना की बात करी है। यहाँ संभावना दर्ज की गई है किसके लिए, डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो इस प्रकार का खर्चा, एक तरफ तो केंद्र जो है राजस्व दबाव या वित्तीय दबाव में है, यानी कि उनके पास भी अभी इतना वित्त नहीं है कि वो ट्रांसफर कर सके, तो ये एक तो ये समस्या है। लेकिन दूसरी तरफ क्या सरकार क्या कर रही है कि नॉन लैप्सिबल फंड या एक वैकल्पिक तंत्र बना रही है रक्षा और डिफेंस के लिए। कई देश ऐसे हैं जहां पर, से आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का उदाहरण ले लीजिए, वहां पर इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है, यानी कि डिफेंस हो गया, आर्म्स हो गए, हथियार हो गए, इन पे इनका शून्य खर्च है। तो उनका जो खर्च इस सेक्टर से बच के वो अन्य जो हमारे सोशल सेक्टर्स हैं उन पे लगाते हैं, तो इस कारण से वो देश जो है इतने आगे बढ़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास जो वित्त है या जो वित्तीय दबाव है बहुत बढ़ रहा है, और एक तरफ आप इस तरह की तंत्र की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में काफी एक चुनौती, एक विरोधाभासी बात भी है और एक चुनौती भी और समस्या भी दिखाती है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किस प्रकार जो वित्त आयोग की अनुशंसाएं उसको कैसे इंप्लीमेंट करती है, साथ ही जो सेंटर और स्टेट के बीच में ये जो हम फिजिकल प्रेशर देख रहे हैं या टेंशन देख रहे हैं इसको किस प्रकार कम करती है, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य को अगर बढ़ाना है आगे, जिस प्रकार हमारे कई सारे स्टेट्स हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर हम बात करें, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर बात करें, कई सारे राज्य हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी मात्रा में है और कहीं देखें तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं पर 0.1% की दर में है। तो इस प्रकार के जो चैलेंजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सरकार को इस तरफ और भी ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा, एग्रेसिव इन सेंस और भी ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने की आवश्यकता है, ताकि जो डिवाइजेबल पूल हमने निर्धारित किया है राज्यों के लिए वो कम ना पड़े, और उनके साथ ही अगर वो पूल अच्छी तरह से बराबरी से वितरित होगा, यानी जिसको जिस राज्य को युक्तियुक्त तरीके से जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी, तो ऑब्वियस है कि आने वाले जो टाइम में हमारी इकोनॉमी है उसको भी वो कहीं ना कहीं सहारा देगी और बूस्टअप करने में मदद करेगी। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल, कैमल इन द टेंट। ये भी आर्टिकल एक तरह से बजट से संदर्भित है, क्योंकि बजट में एक प्रावधान, एक प्रस्ताव किया गया है कि जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो ऐसे मेडिकल कॉलेजेस को ट्रिपल पी के माध्यम से अटैच करना, जो काफ़ी अच्छी, जहाँ पर जिन जिन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है उनकी प्रतिपूर्ति या उनकी पूर्तियों के लिए, उसको देखते हुए मेडिकल कॉलेजेस को उन डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस के साथ अटैच करने के यहाँ प्रस्ताव की बात की गई है, और ये ट्रिपल पी मॉडल के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कंसर्न बताए गए हैं कुछ विशेषज्ञों के, तो उस पर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं देश के डॉक्टर कमी को देखते हुए केंद्र ने सार्वजनिक निजी साझेदारी के द्वारा मेडिकल कॉलेजों को मौजूदा जिला अस्पतालों में संलग्न करने पर जोर दिया है। केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा और कहा है कि जो राज्य मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से अस्पताल की सुविधा देने की अनुमति देते हैं या प्रोवाइड करते हैं और तो उन और रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से वो ये फंड आवंटन कर सकते हैं, तो उनको ये पात्रता मिलेगी कि वो वायबिलिटी गैप फंडिंग का इस्तेमाल कर सके। यानी जो मेडिकल कॉलेजेस चाहते हैं किसी अस्पताल में सुविधा प्रोवाइड करना, डॉक्टर्स की सर्विस प्रोवाइड करना, तो ऐसे में सरकार उनको पूरा पूरा योगदान या अपना पूरा सपोर्ट करेगी। तो इस प्रकार की यहाँ पे बात की गई है। जो सरकार ने बात की है पहले भी नीति आयोग के द्वारा कई सारे ऐसी बातें हो चुकी हैं। नीति आयोग का कहना है कि इस प्रकार से जो कार्य किए जाएंगे, क्योंकि स्टेट्स के पास या कहें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास, जैसे हमने लास्ट आर्टिकल में लिखा, संसाधन सीमित है, वित्तीय की कमी है, तो इसी कारण उन्होंने कहा कि सीमित संसाधन और वित्त के साथ जो हम चिकित्सा शिक्षा में अंतराल देख रहे हैं, जो हमारी मेडिकल एजुकेशन है वो सीमित है, तो इनको फलीभूत करने के लिए दोनों स्टेट्स में इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फुलफिल कर पाए, इसलिए हम यहाँ ट्रिपल पी यानी प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उनका यूज करने की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इनका कहना है कि चिकित्सा में जो मेडिकल के पद्स हैं वो भी बढ़ेंगे, रोजगार में वृद्धि होगी, साथ ही जो लागत आती है वो भी कम से कम होगी, क्योंकि इसके माध्यम से हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हमें इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं होगी, तो हम अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान कर पाएंगे। तो यहाँ पर यह बात सामने रखी गई है कि पीपीपी का मॉडल के एडवांटेज
जो उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है वो इस आधार पर दिखाई है कि उन्होंने यहाँ बात कही है कि चिकित्सा सीटों की संख्या में वृद्धि करेगा और चिकित्सा शिक्षा की लागतों को भी मध्यम रखेगा, यानी कि एक रीजनेबल अमाउंट में ये आपको शिक्षा भी प्रोवाइड करेगा और जो आपके अपॉर्चुनिटीज होंगी, आपके रोजगार की संभावनाएं होंगी, उसको भी क्रिएट करने में सहायक होगा। तो एक तर्क तो ये सकारात्मक रहा। आप देखते हैं कि विशेषज्ञों का कहना क्या है, यानी कि यहाँ पे एक कई सारे के तर्क दिए जा रहे हैं नीति आयोग के अपोजिट में। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? इनका कहना है कि नीति आयोग ने हर राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में जिला अस्पतालों की भूमिका का पर्याप्त मूल्यांकन नहीं किया है। मतलब उनका कहना है कि नीति आयोग का जो स्टेटमेंट है वो हर राज्य की जो व्यवस्था है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, उनको देखकर नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि जो निजी पार्टियों यानी कि निजी क्षेत्र को हम अलाउड करते हैं ये, तो जिला अस्पतालों को संचालित करना और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, इस स्थिति में अनुमति देना, ये इसके काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये इनके कंसर्न है यहाँ पे। इनका कहना है कि इस प्रकार के अगर, क्योंकि आपको पता है जो प्राइवेट सेक्टर है नो डाउट वो प्रॉफिट पे काम करता है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट में काम नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइवेट सेक्टर, तो वो किस प्रकार इकोनॉमी को मतलब सपोर्ट कर पाएगा, इकोनॉमी हमारी कैसे सस्टेन करेगी। तो ये अपने आप, तो उन्होंने यहाँ कहा पिन पॉइंट किया है कि प्राइवेट जो है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट पर काम करता है, तो अगर यहाँ पर बात की गई है कि कुछ लोग जैसे कि कैटेगराइजेशन किया जाएगा, मतलब जिसको सुविधाओं की आवश्यकता होगी तो उसको फ्री में चिकित्सा प्रोवाइड की जाएगी और यहाँ पे कैटेगराइजेशन करके एक ग्रुपिंग कर दी जाएगी कि इनको हम फ्री सेवा देंगे और जो जो कैपेबल हैं, जिनके पास क्षमता है, वो उसकी फी अदा करेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस प्रकार के जो नीति आयोग ने अनुशंसा करी है या प्रस्ताव दिया है, तो इस प्रकार से क्या होगा, एक अलग सा ही माहौल बन जाएगा। माहौल इन सेंस कि जैसे एक व्यक्ति कहेगा कि हम इतना अपने भारत में रहकर एक तरफ इतना अच्छा टैक्सेशन हम प्रोवाइड करते हैं, हम टैक्स अदा करते हैं, फिर भी हमें फीस चुकानी पड़ रही है, दूसरी तरफ हम क्या बोलते हैं, वो इंसान फ्री में उस सुविधा का आनंद ले रहा है या सुविधा प्राप्त कर रहा है, तो इस प्रकार से जो होगा एक अजीब तरह का ही माहौल का निर्माण होगा। तो यहाँ ये देखना होगा कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इस प्रकार की भावना भी समाज में ना आए कि एक तरफ किसी को फ्री सर्विस दी जा रही है, युक्तियुक्त हो नो डाउट, क्योंकि हमारे देश में अभी भी ऐसा वर्ग है जो इस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, लेकिन साथ ही उन पे ये भी हमें इस वर्ग को भी समझाना होगा कि इस प्रकार के जो सिस्टम या इस प्रकार की सुविधाएं जो सरकार दे रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का जो हमारा उद्देश्य है वो वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य ऐसे ही प्राप्त नहीं हो सकता, उसके लिए आपके पास बहुत कंबाइंड एफर्ट्स होने चाहिए, बहुत मिला जुला कर दोनों ही क्षेत्र सार्वजनिक और निजी की भागीदारी आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में यहाँ बात की गई है। दूसरी यहाँ बात की गई है जो हम ये जो अभी बात सामने आई है, तो इसका एक मसौदा तैयार किया जा रहा है, जो कंसेंशरी एग्रीमेंट की बात हो रही है PPP के माध्यम के सर, तो उनका कहना है कि इस प्रकार से जो निजी फर्म है उनको अनुमति दी गई है कि जो मरीज है वो हॉस्पिटल का जो शुल्क है वो अदा भी, वो उसकी मांग भी कर सकते हैं, उनसे ले भी सकते हैं। तो इस प्रकार के जो क्लॉजेस सामने आ रहे हैं ये अपने आप में चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर ऐसा रहा तो फिर फायदा क्या है, वो जो इंसान है वो तो इस चीज़ का जो उनके लिए सुविधा दी गई है वो फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर जो है अंततः ये अपनी ही मांग के अकॉर्डिंग इस फीस आरोपित करेगा, तो ये युक्तियुक्त नहीं है। आगे बात करते हैं, कुछ उदाहरण भी इन्होंने दिए हैं कि तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इस योजना का काफी विरोध किया है, क्योंकि जबकि यहाँ पर जो तमिलनाडु है यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती है जहाँ पर ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है और लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ दोनों ही बात की गई है कि स्टेट में अच्छे खासे हमारे प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स हैं, साथ ही हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस हैं, और फिर भी इनकी दुरुस्त जो वो योजना है हेल्थ को लेकर वो चल रही है। तो यहाँ पर इनका जो विरोध है वो इस कारण से है कि ये जो प्राइवेट को हम मिलाना चाह रहे हैं इस सेक्टर में, तो उनका कंसर्न यही है कि ये बहुत ज़्यादा लाभ पे, मुनाफे पे आधारित होते हैं। अगर ये आते हैं ये स्टेट्स स्वाभाविक रूप से चीज़ का वेलकम जरूर करते हैं, लेकिन ये निजी क्षेत्र के जो इनका क्या मानना है कि जो निजी क्षेत्र का लक्ष्य होता है वो अंततः आपका प्रॉफिट ही कमाना होता है, सार्वजनिक वेलफेयर के लिए ये काम नहीं करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इनका कंसर्न है कि यहाँ पर सरकार को क्या करने की आवश्यकता है। इस तरह के जो बातें सामने आती हैं तो इनको भी, जो चिंताएं हैं इनको भी दूर करना सरकार का ही काम है, केंद्र सरकार का काम है। तो इस प्रकार के जो आप नए नए प्रस्ताव ला रहे हैं तो इसके और भी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि सरकार का ही काम है गुणवत्तापूर्ण जो आपका चिकित्सा सुविधाएं
हैं वो प्रोवाइड करना, आपके पेशेवर अच्छे हों, आपकी जो सस्ती सार्वजनिक सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो भी आप लोगों तक उसकी पहुंच हो, ये सब आपका काम है। लेकिन ऐसा ना हो कि इस प्रकार के जो आप डिसीजन ले रहे हैं, आपके जो निर्णय हैं, वो प्रभावित करें इस आपके उद्देश्य को, तो ये भी सही नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं इनका कहना है, इस आर्टिकल में कहा गया है कि सरकार को भी अपनी भूमिका और सुनिश्चित और मजबूत करनी होगी, कि सिर्फ प्राइवेट के माध्यम से, ये जो आपने वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात करी है तो ये सही है एक तरह से, लेकिन एक निश्चित दायरे के अंदर, क्योंकि आपको पता है सरकार भी अभी जीडीपी का बहुत ही कम परसेंटेज स्वास्थ्य पे खर्च करती है। तो यहाँ कहा गया है, यहाँ सुझाव दिया गया कि लगभग सरकार को 2% जीडीपी का अगर खर्च करती है स्वास्थ्य देखभाल में, तो ये इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ खर्च को बढ़ाने की बात की गई है, ताकि जो मुफ्त है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का जो उद्देश्य है, उसके लिए हमारे पास अधिक रिसोर्सेज इकट्ठे हो सकें, और आपकी जो पहुँच है वेलफेयर स्टेट तक पहुँचने की, वो भी सुनिश्चित हो सके। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, कि सरकार को जीडीपी के जो परसेंटेज है, जो हम लोग खर्च करते हैं जीडीपी का, वो बढ़ाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अभी लगभग शायद कन्फर्म तो नहीं आंकड़ा, लेकिन 1% से भी कम हम जो है हेल्थ सेक्टर में खर्च करते हैं। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पता नहीं ये डाटा सही है कि नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा कि हमारे पास जो है 1% से शायद, या 1% एंड या 1% थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, तो इसका खर्च बहुत कम है। तो अगर सरकार भी थोड़ा बहुत खर्च बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो इस प्रकार के जो शंकाएं बनी हुई हैं अन्य राज्यों में कि प्राइवेट को बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा और सार्वजनिक जो हित है, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, वो प्रभावित होगा, तो यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है कि सरकार की भूमिका और कितनी सुदृढ़ हो सकती है इस क्षेत्र में। अब हम आखिर में फटाफट बात कर लेते हैं हमारे आखिरी आर्टिकल की, व्हाट ब्रेक्सिट मींस फॉर द ईयू एंड इट्स पार्टनर। इसमें हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं आपके लिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट इतना है कि आपको ध्यान रखना, ब्रेक्सिट हो चुका है 31 जनवरी को फाइनल डिसीजन ले लिया गया है, और यूनाइटेड किंगडम आपका ईयू से अलग हो चुका है। विड्रॉल एग्रीमेंट के माध्यम से लगभग 2020 के अंत तक जो प्रावधान है कि यूके जो है यूरोपीय संघ के सीमा शुल्क जो संघ है, और जो सिंगल मार्केट का जो फंडा है अभी तक जो चला आ रहा है, उसको जारी रखेगा। साथ ही कुछ ईयू के कानून है वो भी उस पर अप्लाई होंगे। फिलहाल अभी स्थिति ये है कि 2020 तक ये कुछ क्लॉजेस यथावत बने रहेंगे, और इस अवधि के दौरान यूके जो है यूरोपीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन भी जारी रखेगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे ब्रिटेन का ईयू से अलग होने के बाद भी ईयू जो है काफी मजबूत संगठन है, तो इन्होंने कोशिश करी इस आर्टिकल के माध्यम से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज देने की, कि इसके बाद भी ईयू में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुए हैं। हालांकि ब्रिटेन जो है भौगोलिक, सांस्कृतिक, कई सारे वैल्यूज साझा करता है, कई सारी थ्योरी, सिद्धांत, नियम आधारित एक बहुत अच्छा मजबूत तंत्र स्थापित करता है, और ऐसा विश्वास है कि फ्यूचर में भी इनके रिलेशंस ऐसे ही बने रहेंगे। अलग होने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हमने जो इनकी लगभग 50% ज़्यादा जनसंख्या थी ब्रिटेन की, उसकी आकांक्षा थी ये कि वो ईयू से अलग है, तो उसका हमने सम्मान किया है, ये इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। साथ ही इन्होंने बताया कि ईयू का फ्यूचर जो है वो काफ़ी अभी भी वैसा ही है जैसे हम पहले देखते थे, और उसके संदर्भ में यहाँ चिंता की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए ईयू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होगा कि मार्च में हमारे प्रधानमंत्री ईयू के किसी सम्मेलन में जाने वाले हैं। ब्रासिलिया में एक सम्मेलन होगा, वहाँ पे प्रधानमंत्री की शामिल होने की उम्मीद है सम्मेलन में। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि जैसे आपको पता है ईयू के साथ ऑलरेडी ईयू में कैसे देश हैं जिनका हमारे साथ एफटीए का अग्रीमेंट के पे समझौते पे बात चल रही है, साथ ही आरसीईपी को देखते हुए आरसीपी भारत ने इस पे शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो अब फिर से चर्चा में आ रही हैं कि अब भारत का जो रुख होगा वो किस प्रकार का होगा। साथ ही आपको पता है अभी हाल ही में चर्चा में जब आया था कि ईयू में भारत के खिलाफ कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, तो उस पर भी अभी चर्चा स्थगित हो चुकी है। तो उम्मीद अब सिर्फ ये, अधिकतर उम्मीदें मार्च में जो हमारी सम्मेलन होने वाला है, प्रधानमंत्री जिसमें शामिल होने वाले हैं, उससे लगाई गई हैं। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि ईयू जो है भारत के संदर्भ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पे वही संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि व्यापार से सुरक्षा, डिफेंस, अब इतने सारे मुद्दे हैं हमारे सामने। ये देखिए अशांति, परिवर्तन का दौर चल रहा है, तो इसमें द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत होने वाले हैं। यहाँ पे इन्होंने कई बार अपना यहाँ उल्लेख किया है कि जैसे हमारा यूएन है, डब्ल्यूटीओ है, इस प्रकार के संगठन जो है, नाटो हो गया, G20 हो गया, इसी प्रकार के संगठन जो काम कर रहे हैं, ऐसे ही ईयू भी काम करता रहेगा, क्योंकि वैश्विक चुनौतियाँ बहुत सारी हमारे सामने हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर साइबर क्राइम हो गया आपका, आतंकवाद हो गया, इनइक्वालिटी देखते हैं हम वर्ल्ड लेवल पे, तो इस प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो इस प्रकार का हमारा जो चुनौतियां हैं, इसको हमें दूर करने की
की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें ग्रुपिज्म यानी सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार जो ब्रेग्जिट हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा ईयू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वो इस तरह से जुड़ा हुआ है ईयू के साथ कि वो चाहकर भी हमसे अलग नहीं हो सकता, ऐसा उनका कहना है। इन्होंने आगे और ज़्यादा बहुत पॉजिटिवली बातें रखी कि जिस प्रकार यूके अभी भी यूरोपीय संघ के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो आगे भी दुनिया के जितने भी भागीदारी हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पार्टनर्स हैं हमारे, हम भी उनके साथ मिलकर काम करेंगे और जो भी संभावनाएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे से पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे हैं कैसे यूरोपीय संघ एक बहुत मजबूत संगठन है और संसाधन और पहल को लेकर भी ये लोग काफ़ी आगे बढ़ने की बहुत अच्छी तरीका अपनाने की बात करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस दोनों को प्यास है। चाहे हम ईयू की बात करें या ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन के पास संसाधन की कमी नहीं है और ईयू के पास भी बहुत सारे प्रभुत्व वर्ग के लोग बैठते हैं ईयू में, तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस इनके पास भी है। तो काफ़ी सारी चुनौतियां और संभावनाएं हैं कि यहाँ से हमें बहुत कुछ अच्छा कुछ आउटपुट मिलने वाला है। साथ ही अब जैसे कि ईयू से ब्रिटेन अलग हो चुका है, तो पहले 28 से अब यहाँ पे 27 सदस्य हो चुके हैं, 450 मिलियन जो नागरिक है उसका समूह है ईयू, साथ ही 20 मिलियन से अधिक व्यवसायों का एक सिंगल मार्केट है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं और कहा जा रहा है कि वर्तमान में भी दुनिया का सबसे बड़ा एक व्यापारिक ब्लॉक है, इसलिए भारत जो है ट्रेड के दृष्टिकोण से इस तरफ देखता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एक मार्केट भी है और ईयू भी भारत में बहुत देखता है क्योंकि भारत अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड भी कराता है। तो इस प्रकार के संबंध हैं वो भविष्य में भी कितने सार्थक होंगे ये देखने वाली बात है। साथ ही उन्होंने व्यापार और निवेश की बात करें या जलवायु कार्रवाई या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो काफ़ी सारे ऐसे उद्देश्य हैं, ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनपे इनका काफ़ी आउटवर्ड लुक एजेंडा है, यानी वो भारी तरफ बहुत खुले दृष्टिकोण से इस तरफ देख रहे हैं। तो ईयू में बहुत सारी संभावनाएं अभी मौजूद हैं। तो इस प्रकार आज के तीनों आर्टिकल हमने आपसे डिस्कस करे हैं, उम्मीद है आपको जरूर समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। हम आपसे एक और बात शेयर कर दें कि हम जो ये सेगमेंट लेके आते हैं आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए लेके आते हैं, अगर कोई भी इसमें कमी नज़र आती है, कोई भी त्रुटि नज़र आती है, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निर्माण आईएएस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्माण आईएएस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।